इस समय निफ्टी लगभग 100 पॉइंट डाउन एक बार को देखने को मिल रही है और निफ्टी लगभग 10,970 के पास ट्रेड हो रही है। हालांकि इंट्राडे में अगर देखें तो यहां पर 10,950 पे एक स्ट्रांग सपोर्ट जरूर है, लेकिन ओवरऑल आज सेलिंग काफी हावी है। एडवांस डिक्लाइन के हिसाब से भी देखें तो लगभग 70% स्टॉक यहां पर सेल साइड से देखने को मिल रहे हैं निफ्टी के अंदर। साथ ही सेंसेक्स देखें तो यहां पर इस समय जो ट्रेड हो रहा है वो है 36,650 के पास, लगभग 300 पॉइंट डाउन। ओवरऑल सेंटिमेंट आज निगेटिव है, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक में बाइंग जरूर देखने को मिला है, लेकिन आज ऑटो सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियलिटी, ये ऐसे स्टॉक्स रहे हैं जिनमें की प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा तेज देखने को मिली है। और ऐसे ही एक काउंटर में टाटा मोटर, जिसमें की करीब 18% से ज्यादा निगेटिव ट्रेंड देखने को मिला है। और ओवरऑल लूजर साइड पे टॉप लूजर में आज यहां पर ये देखने को स्टॉक मिल रहा है। दूसरी तरफ है ग्रासिम, आयशर मोटर, आईबुल हाउसिंग, VDL, JSW स्टील, ये सभी स्टॉक्स लगभग 3-4% तक डाउन देखने को मिल रहे हैं। कुछ स्टॉक्स में बाइंग मोमेंटम भी देखने को मिला है, लेकिन उनकी क्वांटिटी यहां पर काफी कम है। कुछ स्टॉक्स में देखें तो इंफ्राटेल काफी दिनों के बाद वापस से फिर से आज 5.5% की तेजी के साथ यहां पर ट्रेड हो रहा है। साथ ही कोटेक बैंक, सिप्ला, BPCL और HDFC, यानी कि थोड़े से प्राइवेट बैंकिंग काउंटर आज पॉजिटिव मोड में यहां पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन फिलहाल मार्केट अपडेट में अगर देखें तो अभी ओवरऑल ट्रेंड यहां पर निगेटिव है।